हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी बनानी सिखा रहे हैं। पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग और मक्के की रोटी। हमने सरसों का साग लिया है, सरसों आधा किलो और आधा ही किलो पालक। आप अगर एक किलो सरसों लेंगे तो एक किलो ही पालक लेंगे, सेम लेना है जो भी लेंगे। सरसों और पालक हमने दोनों आधा आधा किलो लिए हैं और इसमें चार हरी मिर्ची डालेंगे। अब हमने सरसों के साग को साफ करना है, ये इसकी डंडियां हैं। देखिए आप, इनको हमें छील लेना है अगर ये पकी हुई है, जिससे कि जब हम इसे पीसें तो ये मुंह में ना आए। इस तरह से हमने सरसों का साग सारा साफ कर लिया है और पालक भी साफ कर ली है। अब इसे अच्छे से धो लेना है भिगो के चार पाँच पानी धोने के बाद अब इसे हमने काट लिया है। काटने के बाद अब इसमें हमने चार हरी मिर्चें डाली हैं और एक चम्मच नमक। पानी नहीं डलेगा क्योंकि हमने इसे जब धोया है तो इसमें पानी बहुत है। और इसको चार से पांच सीटियां लगवा लेनी है तेज आंच पे। चार से पांच सीटी लगवाने के बाद इसे तुरंत खोल देना है। तुरंत इसलिए खोलेंगे जिससे कि ये हमारा साग हरा हरा बने। अगर आप इसको कुकर का ढक्कन लगा रहने देंगे तो इसमें पीलापन आ जाएगा पत्तों में। तुरंत ही हमें इसे खोल देना है। अब इसे हम हैंड ब्लाइंडर से पीस लेंगे, इसे बारीक पीस लेना है। साग हमारा पीस गया है। अब हमने तीन टमाटर और दो हरी मिर्ची और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हमने पीस लिया है। अब कढ़ाई गरम करनी है और इसमें एक कड़छी आपको घी डालना है। अब इसमें जो हमने टमाटर का मसाला पीसा है वो डालना है और उसे अच्छे से भून लेना है। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि ये नमक हमने साग में उबलते समय भी डाला है, इसलिए आप अब थोड़ा सा ही डालेंगे टमाटर के हिसाब से। और दो हरी मिर्चें काट के डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च। बस सिर्फ नमक और लाल मिर्च ही डालेगी इसके तड़के में। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे और जो साग हमने पीसा है वो इसमें मिलाएंगे। अब साग देखिए आप, हमारा गाढ़ा गाढ़ा है इसमें, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है। अगर आप उबलते में पानी डाल देंगे तो ये पतला पतला बनेगा। हमें अब इसे अच्छी तरह भून लेना है। कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर ही इसे भूने, क्योंकि ये बहुत उछलता है जिससे कि हमारे ऊपर आएगा, इसलिए धीरे धीरे इसको इस तरह से ढक्कन लगा लगा कर भूने। और जब हमारा साग तैयार हो जाए तो आप दो करछी देसी घी इसमें और डाल दीजिए। घी आप जितना भी डालेंगे साग में उतना कम है, और ये जितना घी होगा इसमें उतना ही टेस्ट अच्छा बनेगा। अब हम मक्के की रोटी बनाएंगे। हमने मक्के का आटा लिया है 3-4 करछी, और एक करछी इसमें हमने गेहूं का आटा डाल दिया। जितना भी आप मक्के का आटा लेंगे आधे का आधा उसमें आप गेहूं का आटा डाल दीजिए। और थोड़ा सा नमक डाला है और नॉर्मल पानी से, ये देखिए आप जिस तरह से हमने इसे गूंदा है, इस तरह से एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। और बनाने के बाद अब इसे हम 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद फिर देसी घी लगाकर इसे आप सॉफ्ट कर लीजिए। इस तरह से आप आटा गूंदिए और रोटी बनाइए, बिल्कुल भी टूटती नहीं है। हम देखिए जिस तरह से सिखा रहे हैं आप इस तरह से या तो बना लीजिए, या फिर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो, जैसे कपड़े वगैरह नए आते हैं तो होती है, उसे अच्छे से साफ करके आप उस पर रख कर भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह आप बनाएंगे तो नॉर्मल चकला बेलन से भी आराम से नॉर्मल रोटी बन जाती है। इस तरह से आप हाथ से बनाइए तो भी बहुत आराम से मक्के की रोटी बन जाती है, और नहीं तो आप चकला बेलन से जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे बनाइए, वो भी अच्छी बन जाती है। अब हमने तवा गरम कर लिया और इस पे हल्का सा देसी घी लगा लिया। अब इसे हमें एक परांठे की तरह अच्छे से घी लगाकर सेकना है। घी जितना अच्छा होगा मक्के की रोटी उतनी अच्छी बनेगी। मक्के की रोटी हमारी तैयार है। हमने ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में, देखिए इस तरह से एक रोटी बनानी और सिखाई है मक्के की। अगर आप वैसे ना बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से भी बहुत आराम से रोटी बन जाती है। Thank you.
सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी खाने का स्वाद ही अलग है। इसी तरीके से आप बनाइए और खाइए और हमें बताइए सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिर्च का अचार और लस्सी आपको कैसी लगी, पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग।